हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही होगी, ठीक। आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। अब क्वेश्चन बड़ा है कि अगर अभी भी स्टार्ट नहीं करी है तो क्या हम पास हो जाएंगे जून अटेम्प्ट में? आंसर इज येस, हो सकते, ठीक। अब आपके पास टाइम कितना बचा है? देखो, आधा आपके पास मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, मई बचा है और जून के भी एंड में पेपर है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो आपके पास लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 महीने हैं। 3 महीने में फाउंडेशन की प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप टाइम खराब करोगे तो दिक्कत आएगी फिर आप, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि अब आप अपनी प्रिपरेशन को, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप अभी के अभी से शुरू कर दो। प्रिपरेशन शुरू करने के लिए मैं आपको कुछ शेड्यूल बताने वाला हूँ कि हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है। मेरा बेसिकली फोकस रहेगा उन बच्चों के ऊपर जिन्होंने अभी स्टार्ट करी है पढ़ाई, ठीक है। उन बच्चों के ऊपर फोकस रहेगा जो पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, उनको तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है। जिन्होंने शुरू करी है वो किस तरीके से करेंगे काम वो देखते हैं। देखो भाई, एक बढ़िया सा शेड्यूल बना के दूंगा जिसे आप फॉलो करो, आपके लिए काफी फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप कोई क्लासेस ले रहे हो या कहीं पर आप कोचिंग ले रहे हो या आप कोई वीडियो क्लासेस ले रहे हो, ठीक, तो आपके मेरे हिसाब से 6 आवर्स, पूरे दिन के 6 आवर्स तो उन क्लासेस में ही चले जाते हैं भाई। एक दिन में अगर आप 2 क्लासेस भी देखते हो या आप कहीं कोचिंग लेने जाते हो या सेल्फ स्टडी भी करते हो तो 6 घंटे तो आपकी पढ़ाई में ही लग जाते हैं, आपकी क्लासेस में ही लग जाते हैं, ठीक है। अब पूरे दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं? सर 24 घंटे होते हैं, ठीक। 24 आवर्स में से आप 8 घंटे की स्लीप निकाल लो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। 7 to 8 आवर्स एक आइडल टाइम होता है स्लीप का, ठीक। जनरल बातें करूंगा, बिल्कुल 7 से 8 घंटे एक बेसिक टाइम होता है स्लीप का। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो तो भी खतरनाक है, ठीक। 7 घंटे से कम सो रहे हो तो भी इस एज में आपके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, ठीक। क्योंकि क्या होता है ना, स्लीप पैटर्न आगे धीरे धीरे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है वो कम होता रहता है, ठीक। यही अगर मैं किसी फाइनल वाले बच्चे से बात करूंगा तो मैं उसको ये भी बोल देता हूँ कि 6 घंटे बहुत होते हैं, 6 घंटे में इंसान फ्रेश हो जाता है। लेकिन अभी फाउंडेशन लेवल पे 7 to 8 आवर्स आपके लिए इनफ है। जैसे जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे तो 8 की बजाय वो 7 अपने आप ही आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, ठीक। तो कोशिश रहेगी ऐसा ना हो कि 10-10, 12-12 घंटे की नींद ले रहे, ठीक। 8 घंटे एक सफिशियंट टाइम होता है। अब बचे आपके कितने घंटे? 16 आवर्स बचे आपके पास। 16 में से 6 घंटे की आपने अपनी क्लासेस निकाल दी, बचे कितने? 10 आवर्स। 10 आवर्स में से आप 2 से 3 घंटे आप एक्स्ट्रा भी टाइम खराब करते हो, ठीक। जैसे कि जिसमें आपका खाना पीना होता है, नहाना धोना होता है, दोस्तों से बातें करनी होती है, कोई अपना यूट्यूब देखना होता है, कोई वेब सीरीज़ देखनी होती है, करना चाहिए। रिलैक्स माइंड करने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं। कोई आपने स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रखा हो, किसने जिम ज्वाइन कर रखा हो, कोई स्विमिंग करता हो, 10 चीज़ें करते हो अगर आप लोग तो 2-3 घंटे आपके उसमें भी निकल जाते हैं, ठीक। अब आपके पास कितना टाइम बचा? 7 आवर्स में पकड़ के चलता हूँ 7 घंटे। ये 7 आवर्स आपके लिए सेल्फ स्टडी है, ये 7 घंटे आपके लिए क्या है? सेल्फ स्टडी है। अगर आप इसको 8 घंटे में कन्वर्ट कर लो तो और भी अच्छा है, ठीक। तो 7 से 8 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दीज क्लासेस, और बड़ी आसानी से निकल सकती है, बहुत ही आसानी से निकल सकती है। अभी बताऊंगा आपको किस तरीके से निकल सकती है, ठीक। अगर आपने 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी दे दी और 6 घंटे की अपनी क्लासेस को दे दिया टाइम, यानी कि आप 13 to 14 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हो, बड़ी आराम से पास होगे और बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। अगर आप वही अपना 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हो या क्लासेस करके आ रहे हो, घर पे कुछ नहीं पढ़ रहे, पास नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। खाली क्लासेस से कुछ भी नहीं होता, ये मैं आप लोगों को पहले ही day 1 पे ही जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी, बैच स्टार्ट किया था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि क्लासेस से खाली कुछ नहीं होने वाला। क्लासेस का रोल आपको पास करने में 30% से ऊपर का नहीं होता है, 70% आप लोगों की सेल्फ स्टडी है। बस क्लासेस से क्या होता है, एक आपको गाइडेंस मिलती है, एक आपको हैंड होल्डिंग मिलती है, एक आपके पास ना कनेक्शन हो जाता है कि हाँ बस मेरे को डायरेक्शन मिल रही है, मेरे को उस डायरेक्शन में चलते चले जाना है। लेकिन अगर आप नहीं चलोगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कुछ भी बात नहीं बनने वाली, ठीक है। क्लासेस आज नहीं तो कल जाके खत्म हो जाएगी, एट द एंड आपके साथ क्या रहेंगी? सेल्फ स्टडी तो रहेगी। तो सेल्फ स्टडी पर आपको बेहद ध्यान देना है, ठीक। ओके, अब स्टूडेंट्स होते हैं, सर रात में पढ़ता हूँ मैं, कुछ बच्चे कहते हैं मैं मॉर्निंग में पढ़ता हूँ। मैं दोनों ही टाइम में कंफर्टेबल हूँ, ठीक। अगर आपको मॉर्निंग पढ़ना है तो मॉर्निंग पढ़ लो, अगर आपको नाइट स्टडी करनी है तो नाइट स्टडी कर लो, डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक। मैं अभी आपको जो शेड्यूल बना के दे रहा हूँ ना, मैं मॉर्निंग के हिसाब से बना के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं पर्सनली मॉर्निंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ,
अगर आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई कर सकते हो दैट इज बहुत बढ़िया, दैट इज सबसे बेस्ट होती है वो चीज़, ठीक। नाइट स्टडीज़ में डिस्ट्रैक्शंस है, मॉर्निंग स्टडी में डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, क्योंकि देखो रात है, देर रात को आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो, आप किसी से बात कर सकते हो, आप चैटिंग कर सकते हो, देर रात को कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के थोड़ी ना किसी से चैटिंग करने बैठ जाओगे, सब तो सो रहे होंगे, किससे बात करोगे। तो रात को तो भाई डिस्टर्बेंस होती ही होती है, लेकिन सुबह सुबह कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, समझ पा रहे हो आप सब। इस जनरेशन में आपको सबको पता है कि भाई रात को तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो आपको टाइम वो चूज़ कर देना चाहिए जब जो टाइम आपके लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, और वो मेरे हिसाब से अर्ली मॉर्निंग ही हो सकता है, ठीक। कोशिश करो सुबह 4 बजे उठने की, सुबह 5 बजे उठने की। एक बार आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी 4-5 बजे उठने में, लेकिन एक बार अगर आपको आदत पड़ गई ना 4-5 बजे उठने की, वो आदत आपके लिए बहुत काम आएगी। खाली CA की जर्नी में नहीं, मैं कह रहा ऑल ओवर द लाइफ आपके लिए काफ़ी काम आएगी, ठीक। तो बेटर रहेगा सुबह, आप सुबह जितनी जल्दी उठ सके उतनी जल्दी आप उठ जाओ, ठीक। मैं आपको यहाँ पर एक शेड्यूल देता हूँ, ठीक। मान लो आप सुबह 5 बजे उठते हो, ठीक है, 5 बजे आप उठे, ठीक। उठते ही आप आधा घंटा थोड़ा रिलैक्स करो। यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखो मेडिटेशन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, मेडिटेशन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस कोर्स में आप हो ना उस कोर्स में आपको फिजिकली कोई मेहनत नहीं करनी, आपका सारा काम क्या है, मेंटल है। इवन पढ़ाई करने के बाद भी, क्वालिफाई करने के बाद भी आपको अपने माइंड के साथ खेलना है, ठीक है। एक बॉडी बिल्डर होता है वो फिजिकली मेहनत करता है, आप उतनी मेहनत करोगे, इवन उससे ज़्यादा ही मेहनत करोगे, लेकिन फिजिकली नहीं मेंटली मेहनत करोगे। तो उस बॉडी बिल्डर के ऊपर फिजिकली प्रेशर पड़ता है, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ेगा, तो आपको मेंटल प्रेशर को रिलीज करना पड़ेगा। जैसे बॉडी बिल्डर क्या करता है, अपने फिजिकल प्रेशर को रिलीज करने के लिए नींद लेता है, प्रॉपर अच्छी डाइट लेता है, रिलैक्स करता है। आपको मेंटल प्रेशर देने के लिए क्या, रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भी अप्रोप्रिएट नींद चाहिए, और सबसे बढ़िया इस समय क्या होता है आपका, मेडिटेशन। उठते ही सबसे पहले एक कप कॉफी पियो, ठीक है, और कोशिश करो ब्लैक कॉफी पीने की। मैं बहुत पीता हूँ ब्लैक कॉफी, या ग्रीन टी पी सकते हो तो ग्रीन टी पियो। देखो जो दूध वाली चाय या दूध वाली कॉफ़ी होती है ना, सबको पसंद होती है, लेकिन वो क्या करती है, आपका वेट गेन करती है, आपको वेट अपना गेन नहीं करता, क्योंकि इस कोर्स में बच्चों का वेट गेन हो जाता है, फाइनल तक आते आते बच्चे बहुत हैवी हो जाते हैं, ठीक। वो कुछ नहीं है, वो आपका शरीर ख़राब कर रही है चीज़, ठीक। तो आपको अपना वेट पे भी कंट्रोल रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जिम ज्वाइन कर लो, कोई स्विमिंग कर लो, कोई एक्सरसाइज कर लो, कर सकते हो तो अच्छी बात है कर लो, लेकिन आप खुद भी अपने वेट को कंट्रोल करके रखो, ठीक है। इसके लिए आपके लिए क्या है, ब्लैक कॉफ़ी ग्रीन टी, ये दो चीज़ें हैं। उठते ही सबसे पहले विदाउट शुगर, विदाउट शुगर, ठीक। शुगर का इंटेक कम से कम होना चाहिए, इंसान को एक्टिव रहने के लिए शुगर का इंटेक सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। शुगर अगर आपको लेनी है तो नेचुरल चीज़ों से शुगर लो, लाइक फ्रूट्स, उनसे शुगर लो। ये जो आर्टिफिशियल शुगर आप यूज़ करते हो ना, ये बहुत डेंजरस चीज़ है, ठीक है। इसको अवॉइड करो, मिनिमाइज़ करो, जितनी कम हो सके उतनी कम करो, ठीक है। तो विदाउट शुगर सुबह उठते हैं आप ब्लैक कॉफ़ी, एक कप ग्रीन टी लो, ठीक। तसल्ली से उसे पियो, आधा घंटा आपके पास है अपना, ठीक है, 5-10 मिनट लगा के उसे पियो, फ्रेश हो, और 10-1 मिनट अपनी मेडिटेशन जरूर करो। सर मेडिटेशन कैसे करें, हमें तो मेडिटेशन करनी ही नहीं आती। मेडिटेशन कुछ नहीं होती, आंख बंद करके सिर्फ क्या करो, अपनी ब्रीदिंग जो होती है ना, डीप ब्रीदिंग करो और अपनी ब्रेथ को महसूस करो, उसे मेडिटेशन कहते हैं, वही मेडिटेशन होती है। आंख बंद करके अगर अपनी ब्रेथ को महसूस कर रहे हो, क्योंकि सुबह सुबह कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल शांति से बैठे होंगे, अगर आप अपनी सांसों को भी महसूस कर रहे हो ना, वो आपके लिए मेडिटेशन है। और 10 मिनट की मेडिटेशन बहुत पावरफुल होती है, ठीक, बहुत पावरफुल होती है। सारी क्या होता है ना, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड से निकल जाएंगी। नेगेटिव थॉट्स निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिस एनवायरनमेंट में आजकल जी रहे हैं, फुल ऑफ नेगेटिविटी है वो। आपको आसपास पॉजिटिव लोग नहीं दिखेंगे, आपको आसपास नेगेटिव लोग सबसे ज़्यादा दिखेंगे, जो आपको कहते हैं ना ऊपर बढ़ने से, आगे बढ़ने से खींचेंगे, ठीक। तो आपको अपनी नेगेटिविटी को दूर करना है। नेगेटिविटी कोई एक्सटर्नल फोर्स दूर नहीं कर सकती। मैं दुनिया भर के अगर आपको मोटिवेशन लेक्चर दे दूंगा, आपकी नेगेटिविटी नहीं दूर हो सकती, वो खुद से ही दूर होगी। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। तो 10 मिनट की आपको मेडिटेशन जरूर कर लेनी चाहिए, करके देखो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, ठीक। फिर 5:30 बजे आपके पास, आप 2 घंटे की पढ़ाई करो, 5:30 से 7:30, 2 घंटे आप स्टडी करो, सेल्फ स्टडी है ये आपकी। इसमें कोई भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लो, ठीक।
यानी कि या तो मैथ्स उठा लो या अकाउंट्स उठा लो, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो। थ्योरेटिकल मत उठाना, सुबह सुबह उठते थ्योरी पढ़ने में आपको फिर नींद आने लग जाएगी, बोरियत फील होगी, ठीक। बट ऐसा नहीं है, मैं देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह उठते थ्योरी प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सुबह सुबह रिटेंशन अच्छी होगी, तो थ्योरी भी कर सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि सुबह सुबह उठते आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए, प्रैक्टिकल से आपका ना मूड चार्ज होता है, ठीक, वो पूरा दिन थोड़ा सा पॉजिटिव पॉजिटिव सा रहता है। तो मैथ्स या अकाउंट्स दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप सुबह सुबह उठते ही 2 घंटे पढ़ लो, ठीक। फिर 7:30 बजे के बाद आप लोग अपनी क्लासेस के लिए जाओगे, ठीक है, क्लासेस के लिए जाना है आपको, नाना धोना है, क्लासेस के लिए निकल जाना है। जो बच्चे घर बैठ के वीडियो क्लासेस देख रहे हैं तो उनको भी रेडी होकर अपनी वीडियो क्लासेस के लिए बैठना है। तो 7:30 बजे से आप अगले 6 घंटे लगा लो आपकी क्लासेस के, ठीक। तो मोटा मोटा मिलाकर आप पकड़ोगे 2 से 2:30 बजे, 1:30 से 2 बजे तक या 2:30 बजे तक, ये आपका क्या चला गया, क्लासेस का टाइम चला गया, ठीक है। 3 बजे के आसपास आप घर भी पहुंचोगे, 3:30 तक घर पहुंचोगे, जाती तो पढ़ाई हो नहीं सकती, खाओगे पियोगे रेस्ट करोगे, ठीक है। 5 PM तक, 5 बजे तक आप क्या करो, रेस्ट करो। इसमें आपको शॉर्ट नैप लेनी है, बहुत बढ़िया है, शॉर्ट नैप ले लो, ठीक। कोशिश करो वीडियो वाली चीज़ों से इस समय दूर रहो, क्योंकि देखो आपने सुबह, आप सुबह 5:30 बजे से पढ़ रहे हो, 5:30 बजे से पढ़ रहे हो और शाम के 5 बज गए। अगर आप अपनी वीडियो चीज़ों में लग जाओगे, जैसे मोबाइल में लग गए या फिर किसी वीडियोस में लग गए या वेब सीरीज़ में लग गए, उससे रेस्ट नहीं मिलेगा, उससे और थकान आपकी क्रिएट हो जाएगी। वो करनी है, वो रात को मैं आपको टाइम दूंगा उस चीज़ का, ठीक। तो शाम को 5 बजे तक आप अपना थोड़ा रेस्ट करो। कोई पॉजिटिव बंदा है आपकी लाइफ में, उससे बातचीत कर सकते हो, ठीक। जैसे आपका कोई दोस्त हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा पॉजिटिव तो कोई हो ही नहीं सकता आपके लिए, ठीक। तो पेरेंट्स हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। आपका छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन हो सकता है, कोई आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस जो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव, अगर कोई नेगेटिव पर्सन लाइफ में है तो उससे बिल्कुल दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपको ऊपर नहीं बढ़ने देगा, वो आपको नीचे खींच देगा, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मेरी लाइफ में कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव पर्सन आपके पास ज़रूर होना चाहिए, नहीं है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है। तो एक पॉजिटिव पर्सन से बात करो, ठीक है, आधा पौना घंटा टाइम स्पेंड करो। देखो सबसे बढ़िया क्या है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, मम्मी पापा भाई बहन उनके साथ बैठो आधा पौना घंटा, आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगी। क्या होता है ना, देखो हम इस कोर्स में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने घर वालों को इतनी टाइम देते और घर वालों को पता भी नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, ठीक। कभी पूछेंगे तो क्या होता है कि देखो घर वाले फिर बच्चों के लिए क्या रह जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए रह जाते हैं, और ये सच है। लड़ाई झगड़े किसी से और से होंगे, फ्रस्ट्रेशन उतरेगी पेरेंट्स के ऊपर, छोटे भाई बहन के ऊपर, अरे क्यों उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा भाई, प्यार से तो तुम उनसे बात कर नहीं सकते, फ्रस्ट्रेशन तुम अपनी उतार रहे हो उनके ऊपर, दैट इज टोटली रॉन्ग। ये आपको करियर में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी ये चीज़, ठीक है। तो घर वालों से प्यार से बात करो, कोई भी अपनी मन की बात है वो घर वालों से डिस्कस करो ना, उनसे बढ़िया सॉल्यूशन तुम्हें कोई जिंदगी में दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो आप 5 बजे तक आपको यही काम करना है, रेस्ट करना है, नैप लो, आधे घंटे की नैप लो। अच्छा, नैप भी देखो आधे पौने घंटे से ऊपर की नैप नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे के लिए आप सो रहे हो, क्योंकि फिर वो 1.5-2 घंटे के लिए सो गए तो फिर आप 3-4 घंटे बाद ही उठोगे, ठीक। तो किसी को बोल के सो या अलार्म लगा के सो कि भाई मेरे को 30 मिनट्स में 40 मिनट्स में 45 मिनट्स में उठा देना, और इतना बहुत होता है नैप लेने के लिए। हम 2-2, 3-3 घंटे इसलिए सो जाते हैं क्योंकि हम क्या करेंगे, लेटेंगे और मोबाइल में लग जाएंगे, वो अपने आप ही 2-3 घंटे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। सारी लाइट्स ऑफ करके, मोबाइल को स्विच ऑफ करके अगर आपको 30-40 मिनट्स की नैप लेनी है तो लो, और देख लेना आप 40-45 मिनट्स में कितने ज़्यादा फ्रेश हो जाओगे, फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक। उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अपनी पढ़ाई पे आ जाओ, सेल्फ स्टडी का टाइम है अब आपका, ठीक। तो 5 बजे से लेकर आप 6:30 बजे तक 1.5 घंटा दे रहा हूँ मैं आपको फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इको पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा यहाँ पर, ठीक। क्योंकि उठते ही फिर मैं आपको कोई ऐसा बोरिंग सा सब्जेक्ट नहीं दूंगा, ठीक। इको पढ़ लो, इको इंटरेस्टिंग होता है, ईजी भी होता है, तो बच्चा पढ़ लेता है, 1-1.5 घंटा दो उसमें, ठीक। सुबह एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया प्रैक्टिकल, यहाँ पर आपने इको पढ़ लिया, अब क्या करना है आपको, 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक अब आप लॉ पढ़ो, इंक्लूडिंग BCR वगैरह, कभी लॉ पढ़ लिया कभी BCR पढ़ लिया, जैसे भी आपको पढ़ना है, ठीक। तो लॉ BCR को आपको 2 घंटे दो, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पास भी कराता है फेल भी कराता है, बहुत टाइम देना पड़ेगा इसमें, थ्योरेटिकल है कोर, ठीक। तो लॉ और BCR पे आपको 2 घंटे देने हैं, ठीक। फिर 8:30 बजे आप अपना डिनर ले लो, एंड सुनो,
गो फॉर अ वॉक, एक वॉक करके आओ, ठीक है, डिनर लिया आपने और गो फॉर अ वॉक 15-20 मिनट के लिए, एक वॉक करके आओ। कहां पर वॉक करें, कोई अगर आपके नियर बाय कोई पार्क है तो पार्क में चले जाओ, पार्क है ये तो आसपास अपनी स्ट्रीट्स में ही वॉक कर लो, खाना तो डाइजेस्ट होगा ही होगा, ठीक, माइंड भी रिलैक्स होगा, पॉजिटिविटी भी आएगी। किसी के साथ जाना चाहते हो तो अगर आपका कोई पॉजिटिव फ्रेंड आसपास रहता है तो उसके साथ चले जाओ, अपने मम्मी पापा के साथ चले जाओ, अपने भाई बहन के साथ चले जाओ, नहीं जा सकते तो अकेले चले जाओ, गानों में गाने लगा के चले जाओ, गाने सुनते सुनते जाओ, वॉक करके आओ आधे पौने घंटे की, ठीक, क्योंकि फिर आकर आपको तो क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा, डिनर किया, वॉक करी, लगभग आप 9:30 बजे तक आप घर पे वापस आ गए, फिर 9:30 बजे से लेकर आपके पास टाइम रहेगा 10:30 बजे तक का, 11 बजे तक का, 11:30 बजे तक का। यहाँ पर आप फिर दोबारा क्या कर सकते हो, कोई एक अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ के सो, जैसे सुबह अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी है तो यहाँ पर आप मैथ्स पढ़ लो, सुबह मैथ्स पढ़ी है तो यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ लो, ठीक। देखो जो सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगता है ना, कोशिश करो उससे ही आप अपने दिन की शुरुआत करो, क्योंकि क्या होता है ना कि हम टफ चीज़ों को टालते चले जाते हैं। मान लो आपको मैथ्स टफ लगता है तो मैथ्स को टालते चले जाएंगे, कर लेंगे बाद में, कर लेंगे बाद में, कर लेंगे, वो बात कभी नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना। जो टफ चीज है उसकी जो दिक्कत है उसको सबसे पहले उड़ा दो। इजी सब्जेक्ट तो हो जाते हैं लेकिन टफ सब्जेक्ट में फंस जाओगे, ठीक। तो सुबह सुबह उठते अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है तो मैथ्स पढ़ लो सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश माइंड होगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। रात का टाइम अकाउंट्स के लिए दे दो, फिर आप अपना सो लो। रात को 11:30 अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो रात को 11:30 बजे के बाद फिर आपको पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि आपको सुबह 5 बजे भी उठना है, समझ रहे हो मेरी बात। 11:30 बजे के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है, और 11:30 बजे के बाद फिर आपको सोना है, तो मतलब सोना ही है, लाइट्स ऑफ करके फोन स्विच ऑफ करके आपको सोना है। ऐसा ना हो कि 11:30 कहने के लिए सो गए लेकिन भाई लगे हुए फोन में, क्योंकि वो 11:30 से कब 1:30-2 बज जाएंगे आपको नहीं पता लगता फिर, और फिर क्या होता है अगला दिन खराब होता है। देखो ये कड़वी सच्चाई है, अगर आपका सुबह आप लेट उठते हो, या आप अजमा के देख लेना, सुबह आप लेट उठे हो अगर आपने अपना टाइम खराब किया है तो पूरा दिन आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, सुबह से लेकर रात तक पूरे दिन आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो, अपनी खुद की वजह से, और निकल रही है किसी और के ऊपर, किस किस के ऊपर निकल रही है, फैमिली के ऊपर निकल रही है, और जिस दिन फ्रस्ट्रेटेड हो उस दिन पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। ये सबको पता है कि भाई ये चीज होती है, मेरे साथ भी हो जाए, अगर मैं मान लो सुबह उठने में लेट हो गया तो पूरे दिन फ्रस्ट्रेशन रहती है, काम ही नहीं हो पाता, ठीक। तो बेटर रहेगा कि अपने आप को चेंज करो, प्लानिंग अगर अच्छी अगर आपको करनी आ गई ना, समझ लेना कि भाई आप करियर में बहुत आगे बढ़ोगे, प्लानिंग में फेल हो गए गड़बड़ाएंगे। अच्छा प्लानिंग जो होता है ना वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा भी है कभी कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये अगर मैंने आपको लिख के दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है, आपको कई बार इसे कस्टमाइज भी करना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, टाइमिंग भी ऊपर नीचे करनी पड़ सकती है, ठीक। तो प्लानिंग करो और उसे अप्लाई कर करके देखते रहो। ये टाइम आप हफ्ता भर लगा के देखो, अगर आपको लगता है कि भाई किसी टाइम में या किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर लो। अगर आपको लगता है एक हफ्ता आपने ट्राई किया, आप सुबह पढ़ ही नहीं पा रहे कि नहीं उठा जा रहा सर, बहुत ही दिक्कत हो रही है, नहीं उठ पाता मैं, नहीं मुझसे पढ़ाई नहीं जा रहा सुबह सुबह, गो फॉर नाइट स्टडी। लेकिन एक बार ट्राई कर करके देखना पड़ेगा, अभी ट्राई कर लोगे टाइम है, आगे टाइम नहीं मिलेगा, समझो मेरी बात। एक अच्छा शेड्यूल बनाओगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, डेफिनेटली फाउंडेशन क्लियर करोगे और अच्छे नंबर से क्लियर करोगे। टारगेट 300+ का ही रखना, इससे कम का टारगेट रखोगे तो फिर कम ही नंबर आएंगे, ज़्यादा का टारगेट रखोगे तो आप अपने जो आपका मार्क है ना वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। तो 300+ का टारगेट रखो और 2 सब्जेक्ट में 90+ का टारगेट रखो तो जाके आप फाउंडेशन में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है जी। चलो भाई ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत परेशानी आई तो मुझे कॉन्टैक्ट करना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रिप्लाई। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।